क्यों इंडिया में जिस कोलगेट से लोग दांत साफ करते हैं उसी कोलगेट को कुछ फॉरेन कंट्रीज में लोग अपना टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी ड्रिंक है जिसे इंडिया में शौक से पिया जाता है लेकिन वही ड्रिंक काफी कंट्रीज में बैन है और जिसे पीते ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोरी टेरी की भी तुरंत मौत हो गई थी। क्यों सिंगापुर में आपको च्युइंग गम चबाने पर 70 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं? आखिर क्यों वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रीज में लाइफ बॉय बैन है और क्यों एक कंट्री में समोसा खाना बेचना या बनाना पूरी तरह से बैन है? जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 10, समोसा इंडिया का ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है जिसे शायद ही कोई खाना पसंद ना करता हो। वैसे तो ये एक इंडियन स्नैक है लेकिन ये समोसा खाना फॉरेनर्स को बहुत पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है सोमालिया इकलौता एक ऐसा देश है जहाँ पर समोसा खाना बनाना और बेचना बैन है। अब जितना अजीब ये सुनने में है उससे भी ज्यादा अजीब है इसके बैन होने के पीछे छुपा रीजन, क्योंकि समोसे की शेप सोमालिया के लोगों को शैतान की तरह लगती है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस वजह भी है। सोमालिया के एक बड़े ग्रुप का मानना है कि समोसे की शेप वेस्टर्न स्टाइल को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। साथ ही कुछ लोग समोसे की ट्रायंगुलर शेप को इल्यूमिनाती से भी जोड़ते हैं। इसीलिए सोमालिया में समोसे के अलावा हर ट्रायंगुलर शेप वाली चीज बैंड है। ये वाकई बहुत अजीब और चौंका देने वाली बात है। वैसे दोस्तों आपको समोसा पसंद है या नहीं, यस या नो कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमें तो समोसे बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 9, जिस विक्स वेपर अप को इंडिया में हर चीज जैसे सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द यहाँ तक कि पिंपल हटाने का रामबाण इलाज माना जाता है, क्या आप जानते हैं कि वो विक्स वेपर अप फॉरेन कंट्रीज में बैन है? जी हाँ दोस्तों, विक्स वेपर अप पूरे नॉर्थ अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। असल में बहुत सारे रिसर्चर्स से पता चला है कि विक्स वेपर अप के लगभग 44 साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन में परेशानी होना, स्किन इरिटेशन, रैशेस और स्किन का रेड हो जाना। वैसे तो ये ज्यादा कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्रीज की सरकारों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसे बैन करा हुआ है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है सिंगापुर ऐसी कंट्री है जहाँ च्युइंग गम चबाना बैन है और अगर वहाँ पर कोई च्युइंग गम चबाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर 74 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग च्युइंग गम को कहीं भी रोड पे फेंक देते हैं जिससे सिंगापुर की क्लीनिंग एजेंसी के लिए इसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसीलिए सिंगापुर में च्युइंग गम बैन है। नंबर 7, रेड बुल का नाम तो इंडिया में सबने सुना ही है। रेड बुल ड्रिंक ने सबसे पहले इंडिया में अपनी पहचान अपने यूनिक एड्स की वजह से बनाई थी लेकिन क्या आपको पता है रेड बुल ड्रिंक फॉरेन कंट्रीज में बैन है? एक्चुअली रेड बुल फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में पूरी तरह से बैन है। इस ड्रिंक के बैन होने के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जैसे कि इस ड्रिंक के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस ड्रिंक में टॉरिन नाम का एक अमीनो सल्फोनिक एसिड होता है जो इंसान के कंजम्पशन के लिए हानिकारक होता है। इस ड्रिंक को पीने के बाद आपको एनर्जेटिक तो फील होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बल्कि कभी कभी तो इंसानों की मौत भी हो सकती है। साल 2011 में एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोरी टेरी की मैच से पहले रेड बुल पीने और मैच के दौरान बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से मौत हो गई थी। यही वजह है कि रेड बुल बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आज भी बैन है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 6, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया की लगभग 54.6% आबादी एग्रीकल्चर करती है और दोस्तों इंडिया में फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हर तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड्स डालना बैंड है? इसकी एक खास वजह भी है। असल में पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत तरह के केमिकल्स को डाला जाता है जिससे कीड़े मकोड़े मर जाएं। लेकिन जब ये पेस्टिसाइड्स फसलों पर डाला जाता है तो ये केमिकल उन फसलों और उसके जड़ों में भी मिल जाता है जिसकी वजह से इंसानों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में पेस्टिसाइड्स बैन है। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल लीगल है। लेकिन आजकल इंडिया में हाई क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुई चीजों को खरीदना पसंद करते हैं जबकि फॉरेन कंट्रीज में सभी लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुई चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। नंबर 5, दोस्तों इंडिया में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये साबुन फॉरेन कंट्रीज में बैन है? जी हाँ ये सच है। असल में यूरोपियन कंट्रीज में पहले लाइफ बॉय साबुन जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन बाद में हुई कुछ रिसर्च से पता चला कि ये साबुन तो इंसान के साथ साथ जानवरों की स्किन के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए लाइफ बॉय साबुन सभी यूरोपियन कंट्रीज में बैन है।
नंबर 4, दोस्तों इंडिया में कई मिडिल क्लास फैमिलीज के पास टाटा नैनो या मारुति अल्टो 800 कार्स होती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या आप जानते हैं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ये कार्स पूरी तरह से बैंड है। दरअसल जब अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इन कार्स की टेस्टिंग की गई थी, तब ये दोनों गाड़ियां ही उस टेस्ट में फेल हो गई थी। असल में इन गाड़ियों का वजन, क्वालिटी, मटेरियल और बाकी गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम और चीप होता है, जिसकी वजह से अगर इन गाड़ियों का कभी एक्सीडेंट हुआ तो इसमें बैठे हुए लोगों की लाइफ सीरियस खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों कार्स को अपने देशों में बैन किया हुआ है। वहीं इंडिया में लोग गाड़ी लेते समय ये कम देखते हैं कि वो गाड़ी सेफ है कि नहीं, बल्कि ये ज्यादा देखते हैं कि उस गाड़ी का प्राइस कितना है, उसके फीचर्स क्या है, माइलेज एक्सेट्रा 10 चीजें, लेकिन उतनी ज्यादा सेफ्टी चेक नहीं करते। वैसे इन सब खतरों के बावजूद भी इंडिया में टाटा नैनो और मारुति अल्टो का क्रेज आज भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। नंबर 3, हमारा जब मन करता है हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके बात करते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार और दोस्त एक ही स्टेट में हो, एक ही कंट्री या अलग अलग कंट्री में हो। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोगों की हर फोन कॉल का रिकॉर्ड रखा जाता है और इंटरनेशनल कॉल करना तो पूरी तरह से बैंड है। ये देश और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया का हर रूल अलग और हैरान करने वाला ही होता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के सुप्रीम किम जोंग उन नहीं चाहते हैं कि उनके देश के लोग उनकी दुश्मन कंट्रीज के लोगों से बात करें और उनकी कंट्री की कोई जानकारी दें। किम जोंग उन अपनी गद्दी और सत्ता पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते हैं, इसीलिए हर चीज को अपने कंट्रोल में रखते हैं, चाहे कंट्रोल करने का तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो फैशन के लिए सभी को हाई हील्स, नए नए स्टाइलिश जूते और बूट्स पहनना पसंद होता है, लेकिन दोस्तों आखिर आराम तो हमें अपनी हवाई चप्पलों में ही मिलता है। हवाई चप्पल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल समझी जाती है, चाहे वो आराम से चलने के लिए हो या फिर अचानक से पहनकर भागने के लिए हो। दोस्तों इन हवाई चप्पलों को इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फ्लिप फ्लॉप चप्पल किसी कंट्री में बैन भी हो सकती है? ये वाकई सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल इटली में इस तरह के हवाई या फ्लिप फ्लॉप चप्पल बैन है। दरअसल इटली की गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसी चप्पल लोगों के लिए काफी अनसेफ होती है, लोग इस चप्पल से गिर भी सकते हैं। साथ ही उनका मानना है कि ये फ्लिप फ्लॉप चप्पल चलते वक्त बहुत ज्यादा शोर भी करती है। इसके अलावा इन चप्पलों में पैर भी जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसीलिए इटली में हवाई चप्पल बैन है। और तो और इटली में ऐसे हर स्लीपर्स और जूते पर बैन है जो चलते वक्त शोर करते हो। ये वाकई एक अजीब रूल है, लेकिन अगर कभी आप इटली घूमने जाओ तो ये रूल हमेशा याद रखना। नंबर 1, दोस्तों कोलगेट के बारे में ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि जिस कोलगेट को इंडिया में सबसे बेस्ट टूथपेस्ट माना जाता है, वो बाकी की फॉरेन कंट्रीज में बैंड है। और तो और कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर कोलगेट से दांत साफ करने की जगह टॉयलेट को साफ किया जाता है। जी हाँ, ये सच है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट लोगों के नेचुरल पीले हुए दांतों को साफ और बैक्टीरिया को मार सकता है तो ये टॉयलेट भी क्लीन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में लोग टूथ पेस्ट कोई भी लेने जाए लेकिन वो नाम कोलगेट का ही लेते हैं। कोलगेट का नाम इंडियंस के दिमाग और जुबान पर रट जो गया है। लेकिन अब क्योंकि कोलगेट में ट्राइक्लोसैन नाम का इंग्रेडिएंट मिला होता है जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए यूएस के एफडीए ने अपने नागरिकों को इसे ना यूज करने की वार्निंग दी हुई है। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।